पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए लगातार गिड़गिड़ा रहा है और इसके लिए पाकिस्तान एफएटीएफ की 27 में से 26 शर्तों को पूरा करने की दुहाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहना अब उसके साथ नाइंसाफी है, लेकिन 27वीं शर्त में ऐसा क्या है जो पीएम इमरान खान अपने देश के लोगों से छिपा रहे हैं। 27वीं शर्त में पाकिस्तान को कहा गया है कि पाकिस्तान में जितने भी यूएन द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन है सभी को पूरी तरह से बैन किया जाए और सभी आतंकियों के खिलाफ कोर्ट में न सिर्फ मुकदमा चलाए बल्कि उन्हें गुनहगार साबित कराते हुए कड़ी सजा दी जाए। पाकिस्तान में ऐसे करीब 100 आतंकी हैं जिन्हें यूएन ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई करना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल है। विदेशी कर्ज के बोझ से उबरने के लिए पाकिस्तान हर दिन नई नई तरकीबें अपना रहा है। अब इमरान सरकार ने फैसला किया है कि फोन कॉल के जरिए लोगों से टैक्स वसूली की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान इन दिनों काफी बुरे हालात से गुजर रहा है। आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह से फेल हो चुका पाकिस्तान अब अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई नई तरकीबें अपना रहा है। इमरान सरकार ने फैसला किया है कि पाकिस्तान में फोन पर 5 मिनट बात करने पर टैक्स देना होगा। 5 मिनट बात करने पर किसी भी शख्स को 75 पैसे देने होंगे। हालांकि पाकिस्तान की दूरसंचार कंपनियों ने इस योजना में कमी बताई है। इमरान सरकार के फैसले के बाद दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि टैक्स की जो योजना इमरान सरकार की सरकार बना रही है वो कई कारणों से ठीक नहीं है और इसे लागू करने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं।